हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम फॉरफिट ऑफ शेयर्स अंडर प्रोराटा कैटेगरी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक का बच्चों के माइंड में बहुत फियर होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक में, तो मैं कोशिश करूँगी कि इस टॉपिक को ईजी वे में एक्सप्लेन करूँ ताकि आप बोर्ड में इस क्वेश्चन को 100% एक्यूरेसी के साथ सही करके आएँ। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। फॉरफिट ऑफ शेयर अंडर प्रोराटा कैटेगरी मीन्स जब कंपनी अपने शेयर्स को प्रोराटा बेसिस पर अलॉट करती है और उसके बाद उन्हें फॉरफिट करती है। तो फॉरफिट, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, कंपनी शेयर्स को फॉरफिट तभी करती है जब कॉल अनपेड हो या कॉल्स ड्यू हो और शेयर होल्डर उन्हें पे नहीं करता, राइट? तो इसका प्रोसेस क्या है, कैसे इनको सॉल्व किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होंगे। स्टेप वन, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड और अलॉटेड इफ नॉट गिवन। तो यहाँ पर जो भी शेयर होल्डर ऐसा है जिसके कॉल्स ड्यू हैं या अनपेड हैं, उसके पहले हमें शेयर्स फाइंड आउट करने होंगे, अप्लाइड और अलॉटेड दोनों। तो हमें क्वेश्चन में एक शेयर्स हमें गिवन होगा, चाहे वो अप्लाइड शेयर हो चाहे वो अलॉटेड, और दूसरे शेयर हमें फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है? तो हमें टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड या फिर अलॉटेड फाइंड आउट करने होंगे। अगर हमारे क्वेश्चन में शेयर अप्लाइड गिवन है तो हमें शेयर अलॉटेड निकालने होंगे शेयर होल्डर के, और अगर शेयर होल्डर के अलॉटेड शेयर गिवन है तो हमें उसके अप्लाइड शेयर फाइंड आउट करने होते हैं, राइट? तो अब इन्हें कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए एक मेथड है, तो मैं वो मेथड आपको बता देती हूँ। फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है हमारा टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड और अलॉटेड। यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ शेयर लेने हैं, मतलब हमें उस कैटेगरी से शेयर लेने हैं जिस कैटेगरी में वो इंक्लूडेड है। तो या तो ये क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया होता है कि शेयर होल्डर किस कैटेगरी में इंक्लूडेड है, अगर ऐसा क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया गया तो जिस कैटेगरी को प्रोराटा बेसिस पर शेयर दिए होते हैं उस कैटेगरी से हम ये शेयर्स लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, यहाँ पर पहले हम वो शेयर लिखेंगे जो हमें फाइंड आउट करने हैं। अगर हमें शेयर होल्डर के शेयर अप्लाइड निकालने हैं तो हम टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड लेंगे। अगर हमें शेयर होल्डर के शेयर अलॉटेड फाइंड आउट करने हैं तो यहाँ हम टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड लेंगे, राइट? फिर उसी सेम कैटेगरी के हम दूसरे शेयर्स यहाँ पे लिखते हैं। जैसे सपोज हमें शेयर अप्लाइड निकालने थे तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल शेयर अलॉटेड, और अगर हमें अलॉटेड शेयर निकालने थे तो यहाँ हम लिखेंगे टोटल शेयर अप्लाइड, ठीक है? इनटू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड या अलॉटेड बाय शेयर होल्डर, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन था। अगर हम उसके शेयर अप्लाइड गिवन था तो हम नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड लिखेंगे, और अगर हमें शेयर होल्डर के शेयर अलॉटेड गिवन है तो हम शेयर अलॉटेड लिखेंगे, ठीक है? अभी हो सकता है आपको थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लग रहा हो कि ये क्या मैंने बताया है। इसके बाद जैसे ही हम क्वेश्चन करेंगे मैं इस चीज़ को आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे हमने सॉल्व किया है, राइट? तो आई एम श्योर आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो फर्स्ट स्टेप के बाद हमारा स्टेप टू है, कैलकुलेशन ऑफ मनी ड्यू बट नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट। हमें मनी ड्यू निकालनी है जो अलॉटमेंट पर पेड नहीं हुई, मतलब कॉल्स इन एरियर्स निकालना है हमें अलॉटमेंट का, ठीक है? अब वो कैसे निकालते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेना है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन अप्लाइड शेयर। एप्लीकेशन मनी कितनी आई है अप्लाइड शेयर पर, तो यहाँ हम केवल शेयर होल्डर को सॉल्व कर रहे हैं, हमें टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड और अलॉटेड से मतलब नहीं है, क्लियर? तो जितने भी हमने देखा कि शेयर अलॉटेड या अप्लाइड हमें फाइंड आउट करने थे, उसी बेसिस पर, उसी इंफॉर्मेशन पर हमें ये सॉल्व करना है। तो पहले होता है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन अप्लाइड शेयर, इसमें अप्लाइड शेयर ऑफ शेयर होल्डर इंटू एप्लीकेशन मनी, तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा। इसमें से लेस किया जाता है एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन शेयर अलॉटेड। अब इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, अलॉटेड शेयर ऑफ शेयर होल्डर इंटू एप्लीकेशन मनी, ठीक है?
तो यहाँ पर हम ये फाइंड आउट करेंगे, तो फर्स्ट में से हम सेकंड को माइनस कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा इसे हम बोलते हैं एक्सेस मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। मतलब ये एक्सेस मनी है जो एप्लीकेशन पर आई थी और जिसे हमें अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना है। इसके बाद हमें निकालना होता है अलॉटमेंट मनी ड्यू। यहाँ भी हम शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं, तो शेयर होल्डर की टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी थी, तो ये इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, अलॉटेड शेयर ऑफ शेयर होल्डर इनटू अलॉटमेंट अमाउंट या अलॉटमेंट मनी। तो यहाँ पर आपकी अमाउंट आ जाएगी लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, ये एक्सेस मनी, इस एक्सेस मनी को यहाँ माइनस कर दिया जाता है, तो हमारे पास ये एरियर अमाउंट निकल आता है अलॉटमेंट का, अमाउंट नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट या फिर एरियर्स ऑन अलॉटमेंट, ये अमाउंट हमारे पास यहाँ फाइंड आउट हो जाएगा। इस अमाउंट को ट्रांसफ़र किया जाता है फॉरफीट एंट्री में। जब हम फॉरफीट एंट्री बनाएंगे इस शेयर होल्डर की, तो ये अमाउंट हमारा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, अभी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, मैं अभी इससे रिलेटेड इक्वेशन सॉल्व करने जा रही हूँ, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। राइट, यहाँ मैंने टीएस ग्रेवाल बुक, इसका पेज नंबर 8.131, क्वेश्चन नंबर 87 लिया है, कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर है हमारा, क्वेश्चन नंबर 87, सुपरस्टार लिमिटेड इश्यूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 2000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर पेबल एज। तो ये क्वेश्चन आप बुक से अच्छे से पढ़ लीजिए, और यहाँ पर वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, अपनी बुक खोलकर आप ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो मैं इसमें बताऊँगी कि हमने इसे सॉल्व कैसे करना है, हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ एप्लीकेशन रिसीव्ड है 3000 शेयर्स, अ प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन एप्लीकेंट्स फॉर 2400 शेयर्स। तो 2400 शेयर्स के लिए प्रो राटा अलॉटमेंट है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो में आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए और उसमें से ये क्वेश्चन को रीड आउट करिए। इट वॉज डिसाइडेड टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी टूवर्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो जितना भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगी उसे एडजस्ट किया जाएगा। रमेश एक शेयर होल्डर है, टू हूम 40 शेयर वर अलॉटेड, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। तो रमेश एक शेयर होल्डर है जिसको 40 शेयर अलॉटेड थे। अब यहाँ रमेश के हमें अप्लाइड शेयर नहीं गिवन, तो यहाँ हमें रमेश के अप्लाइड शेयर फाइंड आउट करने होंगे। राइट, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमें एक गिवन होगा, दूसरा हमें निकालना होता है। तो अलॉटेड शेयर यहाँ हमें गिवन है, हमें इसके अप्लाइड शेयर फाइंड आउट करने होंगे। तो रमेश ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की है, ना फर्स्ट कॉल पे की है, और उसके बाद उसके शेयर्स को फॉरफीट कर लिया गया। राजेश टू अप्लाइड फॉर 72, फेल टू पे 2 कॉल्स एंड ऑन सच फेलियर हिज शेयर्स फॉर फॉरफीटेड। राजेश जो दूसरा शेयर होल्डर है उसके अप्लाइड शेयर हमें गिवन है, अलॉटेड शेयर गिवन नहीं है। तो यहाँ हमें उसके अलॉटेड शेयर फाइंड आउट करने हैं। इसने 2 कॉल्स पे नहीं की और इसके शेयर्स को भी फॉरफीट कर लिया गया। ऑफ द शेयर्स फॉरफीटेड 80 शेयर्स वर सोल्ड टू कृष्ण क्रिकेट क्रेडिटेड एज फुली पेड अप फॉर 9 पर शेयर। तो कृष्ण को ये सेल किए गए हैं, 80 शेयर्स थे 9 पर शेयर के अकॉर्डिंग। द होल ऑफ रमेश शेयर बींग इंक्लूडेड, जिसमें रमेश के शेयर्स थे सारे, बाकी जो बचे वो राजेश के शेयर्स हैं। तो हम धीरे धीरे इस क्वेश्चन को अभी डिस्कस करते जाएंगे, फिर हमें इसकी जनरल एंट्री पास करनी है। ओके, यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्वेश्चन का एक शॉर्ट नोट बना लिया है, जिसमें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमारे पास 2000 शेयर्स हैं, 10 ईच, 2 का प्रीमियम है, 3 एप्लीकेशन पर है जिसमें इंक्लूडेड 1 प्रीमियम था, तो 2+1 ये एप्लीकेशन पर हो गया, 4 अलॉटमेंट है इसमें भी 1 का प्रीमियम है, तो 3+1 अलॉटमेंट पर हो गया, 3 फर्स्ट कॉल पर है और 2 सेकेंड कॉल पर है। रमेश ने ना तो अलॉटमेंट दी है ना फर्स्ट कॉल, तो इन दोनों पर रमेश कैरियर है और फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल पर राजेश कैरियर है।
एप्लीकेशन हमारे पास रिसीव हुए हैं 3000, तो प्रो राटा का मतलब क्या होता है, जब आपके पास एप्लीकेशन ज़्यादा आए, ठीक है। री इशू किए हैं इसमें 80 शेयर्स 9 पर शेयर्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ सबसे पहले मैंने कैटेगरी बना ली है, इसमें बोला गया था क्वेश्चन में कि 2400 शेयर्स को प्रोराटा बेसिस पर शेयर दिए गए हैं। ये मैंने आपको जब ओवर सब्सक्रिप्शन हमने किया था उस टाइम पे अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ वहाँ जाकर एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। फिर भी मैं यहाँ पर भी बता देती हूँ कि जितने शेयर्स के लिए प्रोराटा बोला जाता है, इसका मतलब होता है जितने कंपनी के पास शेयर्स हैं वो सारे कंपनी ने उसी को रेशियो के अकॉर्डिंग दिए हैं, ठीक है। तो 2400 शेयर्स के लिए बोला गया था, 2400 एप्लीकेंट्स के लिए, तो उन्हें हमने सारे शेयर्स 2000 शेयर्स इन्हें दे दिए हैं, रेशियो के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। बाकी बचे 600, हमें कैसे पता 600, 3000 एप्लीकेशन रिसीव्ड थे जिसमें से 2400 को कंपनी अलॉट कर चुकी है, तो रिमेनिंग है 600, 600 को निल, एक भी नहीं दिया, तो इसके पैसे को कंपनी क्या करेगी, रिफंड कर देगी। और यहाँ से जो 400 एक्स्ट्रा शेयर्स हैं इनके पैसे को क्या किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा अलॉटमेंट पर, राइट। आप क्वेश्चंस को फिर से एक बार पढ़ लेना, अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। अच्छा, मैं आपको पहले ये बता दूँ कि हमें सॉल्व किसको करना होता है या किसके एरियर्स निकालना होता है, ठीक है। हम जो ये टेबल मैंने आपको स्टेप टू बताया, ये स्टेप टू केवल उसी शेयर होल्डर के लिए होता है जिसका एरियर एडजस्टमेंट के साथ आए, ओके। बाकी दूसरे शेयर होल्डर के लिए हमें स्टेप टू फॉलो नहीं करना, स्टेप टू केवल उन्हीं के लिए फॉलो करना है जिनका एडजस्टमेंट के साथ एरियर हो। तो यहाँ पर हमारे पास दो शेयर होल्डर हैं, राजेश एंड रमेश। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, रमेश के शेयर पर एरियर एडजस्टमेंट के साथ है, कंपनी अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट कर रही है और अलॉटमेंट पर ही रमेश के एरियर हैं। राजेश के एरियर फर्स्ट और सेकंड कॉल पर है जहां कंपनी एक्सेस को एडजस्ट नहीं कर रही, तो हमें यहां राजेश के लिए स्टेप टू फॉलो नहीं करना, हमें स्टेप टू केवल रमेश के लिए फॉलो करना है, राइट। फिर से एक बार मैं बता देती हूँ, स्टेप टू उसी शेयर होल्डर के लिए किया जाता है जिसका एरियर एडजस्टमेंट के साथ आए, ओके। तो यहाँ रमेश का एरियर एडजस्टमेंट के साथ है, एडजस्टमेंट अलॉटमेंट पर है और रमेश का एरियर भी अलॉटमेंट पर है, तो हमें केवल रमेश के लिए स्टेप टू फॉलो करना है, राजेश के लिए नहीं। तो रमेश का स्टेप टू हम फॉलो कर लेते हैं। तो पहले तो हम स्टेप वन ही करेंगे, हमें शेयर निकालने हैं, इसमें अप्लाइड शेयर गिवन नहीं है, अलॉटेड शेयर गिवन है। क्वेश्चन में हमें ये भी नहीं बताया गया कि रमेश किस कैटेगरी से था, तो ये आपको थोड़ा सा खुद से ही सोचना है। इस कैटेगरी को, ये कैटेगरी वन, कैटेगरी टू, इस कैटेगरी को तो कंपनी ने एक भी शेयर नहीं दिया, तो हमारे पास केवल एक ही कैटेगरी बची, 2400 शेयर्स पर जो एप्लीकेशन आया था और जिन्हें 2000 शेयर अलॉट किए गए हैं, ठीक है। तो इसी शेयर होल्डर से हम दोनों शेयर होल्डर्स के शेयर अप्लाइड और शेयर अलॉटेड फाइंड आउट करेंगे, राइट। सो रमेश के हमें अप्लाइड शेयर फाइंड आउट करने हैं, हमारे पास अलॉटेड शेयर गिवन है। हमने अभी फॉर्मूला देखा था, जब हमें शेयर फाइंड आउट करने होते हैं तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड के लिए क्या करेंगे हम, जो हमें फाइंड आउट करना है उसका टोटल शेयर हम पहले लिखेंगे, ठीक है। तो हमें अप्लाइड शेयर करने हैं, तो अप्लाइड शेयर के शेयर्स का अमाउंट या नंबर हमने यहाँ पर लिखा है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इंटू नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड बाय शेयर होल्डर, ठीक है। समझ में आ रहा है किसी का, कैसे किया मैंने, जो शेयर हमें निकालने हैं उसी शेयर का के नंबर हमें ऊपर लिखने होते हैं, बाकी दूसरे शेयर्स को हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं और इंटू नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड बाय शेयर होल्डर। तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारा 48 शेयर्स आ जाएंगे,
राइट 48, तो 40 शेयर्स हमें गिवन थे, 48 हमने फाइंड आउट कर लिए। अब इसके लिए हम स्टेप टू फॉलो करेंगे। तो स्टेप टू हमारा क्या था, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन अप्लाइड शेयर। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको भी बताया था, आप वीडियो को पॉज करके या रिवाइंड करके एक बार देख सकते हैं बैक पे जाकर, एप्लीकेशन मनी इनटू अप्लाइड शेयर। तो अप्लाइड शेयर यहाँ पर हमारे कितने हैं, 48 इनटू एप्लीकेशन मनी हमारे क्वेश्चन में थी 3, आप वापस क्वेश्चन देख सकते हैं, तो अप्लाइड शेयर इनटू एप्लीकेशन मनी हमारा आ गया 144 माइनस एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन शेयर अलॉटेड। तो एप्लीकेशन मनी ड्यू इसे कैसे निकालते हैं, अलॉटेड शेयर ऑफ शेयर होल्डर। तो अलॉटेड शेयर कितने हैं शेयर होल्डर के, 40 इंटू एप्लीकेशन मनी 3 मल्टीप्लाई किया, ये आ गया हमारा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये अमाउंट है हमारा एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। ठीक है, ये एक्सेस आ गया हमारा एप्लीकेशन मनी पर। इसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू हमने निकाला है, तो अलॉटमेंट मनी ड्यू हम कैसे निकालते हैं, अलॉटेड शेयर ऑफ शेयर होल्डर, तो अलॉटेड शेयर हमारे 40 इंटू अलॉटमेंट अमाउंट, तो अलॉटमेंट मनी है हमारी 4। ठीक है, यहाँ विद प्रीमियम लेना है, राइट, कंफ्यूज मत होना, विद प्रीमियम टोटल अलॉटमेंट मनी लेते हैं हम यहाँ। तो 40 इंटू 4 160 माइनस एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी 24, तो ये आ गया हमारा 136। इसे क्या बोलते हैं हम, अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड या फिर कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अनपेड। ठीक है, ये अलॉटमेंट का एरियर आ गया, तो एरियर हमें केवल उसी का निकालना था जिसका एडजस्टमेंट के साथ एरियर हो। तो यहाँ हमने रमेश को सॉल्व कर लिया है, इसके बाद राजेश के लिए केवल स्टेप वन हमें सॉल्व करना है, तो राजेश का हम स्टेप वन कर लेते हैं। राजेश के हमें क्वेश्चन में अप्लाइड शेयर गिवन है, अलॉटेड शेयर हमें निकालना है। अब हम उस फॉर्मूले पर वापस जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड 2000 है, आप कैटेगरी में देखिए, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड 2400 है इनटू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय शेयर होल्डर, तो 72। हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारा 60 शेयर्स, 60। तो इसके लिए राजेश के लिए केवल स्टेप वन फॉलो करना है, हमें टू को फॉलो नहीं करना। ठीक है, ये चीजें अगर आपको क्लियर हो गए ना, इतनी ही चीजें, तो आप इसके क्वेश्चन को रॉन्ग नहीं करेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन यही होता है कि हमें स्टेप टू किसके लिए फॉलो करना है किसके लिए नहीं, राइट। तो हमें इसके लिए स्टेप टू फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज पर। तो आप क्वेश्चंस को अपने सामने रखिए, क्वेश्चन नंबर 87 को, और मैं आपको जर्नल बताती जाती हूँ कि कैसे बनती है। फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी शेयर एप्लीकेशन के लिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 3000 एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं, 3 एप्लीकेशन मनी है, तो टोटल एप्लीकेशन मनी आ गई हमारी 9000, राइट। सेकेंड एंट्री हमारी हो गई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये सारी चीज़ें हमारी इसलिए आई हैं क्योंकि प्रीमियम भी है, कंपनी ने रिफंड भी किया है और एडजस्ट भी किया है। ठीक है, तो शेयर एप्लीकेशन मनी हमारा जस्ट यहाँ से आ गया, 9000 हमने यहीं से फॉरवर्ड किया है। शेयर अलॉटमेंट में जितने कंपनी के पास शेयर होते हैं इनटू जितने का एप्लीकेशन था, तो यहाँ एप्लीकेशन पर प्रीमियम था इसीलिए हमने उसे सेग्रीगेट कर दिया है, एप्लीकेशन अमाउंट अलग और प्रीमियम अमाउंट अलग। तो 2000 इंटू 2 शेयर कैपिटल में, 2000 इंटू 1 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, तो यहाँ से आ गया 4000 और इधर से आ गया 2000। अब आ जाते हैं शेयर अलॉटमेंट पर, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट पर एक्स्ट्रा शेयर कितने आए थे, 400 मैंने कैटेगरी में लिखा हुआ है, आप एक बार देख सकते हैं, तो 400 शेयर एक्स्ट्रा हैं इंटू 3 एप्लीकेशन मनी, टोटल होगा 1200। नेक्स्ट बैंक में रिफंड किया है 600 शेयर्स को, तो 600 इंटू 3 एप्लीकेशन मनी, टोटल हो गया 1800। नेक्स्ट एंट्री शेयर अलॉटमेंट के लिए, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट,
सो हमारी फर्स्ट एंट्री केवल 3000 से बनेगी क्योंकि यहाँ एप्लीकेशन रिसीव थे, बाकी सारी एंट्री हमारी जितने शेयर इश्यू हैं उससे बनती है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट में 2000 शेयर्स हैं, 4 का अलॉटमेंट है टोटल अलॉटमेंट, ये हो गया हमारा 8000। 2000 शेयर्स पर 3 का अलॉटमेंट है, 1 का प्रीमियम। यहाँ हमने 4 रुपीज़ को सेग्रीगेट कर दिया, अलॉटमेंट का अमाउंट अलग और प्रीमियम का अलग, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 6000 और ये हो गया हमारा 2000। एक रिक्वेस्ट और है मेरी आपसे, जैसे मैं यहाँ शॉर्ट में SPR या शेयर्स कैपिटल ऐसे लिख रही हूँ, आप प्लीज़ ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ ना करें। ये केवल मैंने शॉर्ट फॉर्म इसलिए यूज़ किया ताकि वीडियो में ज़्यादा टाइम ना लगे, मुझे लिखने में ज़्यादा टाइम ना लगे, फाइनली बोर्ड आपको देना है, तो इसीलिए मेरा ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको ये बता दूँ, ठीक है। तो आप प्लीज़ ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ ना करें। नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी बैंक वाली, जब हम रिसीव्ड की एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6664, ये अमाउंट आ गया। अब यहाँ पर अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो मैंने इस एंट्री को फिर से बनाया है, मतलब इसके ऑब्लिक में दूसरी एंट्री बनाई है, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो शेयर अलॉटमेंट हम यहाँ जो भी अमाउंट दिखाएंगे, देखिए यहाँ शेयर अलॉटमेंट में अमाउंट था 8000, लेकिन यहाँ पर 1200 अमाउंट ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, तो 8000 में से 1200 माइनस करके अब कंपनी कितना अमाउंट लेगी, 6800। इसमें से भी 136 का एरियर है, हमने अभी स्टेप टू सॉल्व किया था, यहाँ पर हमने स्टेप टू किया था रमेश का, तो इसके एरियर आए थे 136 अलॉटमेंट पर, अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड, तो वही एरियर हमने वहाँ शो किए हैं 136। तो यहाँ पर रमेश का एरियर था, वो रमेश का एरियर हमने यहाँ शो कर दिया, 6800 माइनस 136, तो ये अमाउंट आ जाएगा 6664, राइट। नेक्स्ट एंट्री हमने कॉल के लिए बनाई है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर्स 2000 है, 3 की कॉल है, तो अमाउंट आ गया हमारा 6000। नेक्स्ट बैंक वाली एंट्री रिसीव्ड की, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, यहाँ फर्स्ट कॉल पर राजेश और रमेश दोनों का एरियर था, राजेश के शेयर है 40, रमेश के शेयर है 40, राजेश के शेयर है 60, तो टोटल शेयर हो गए 100, ठीक है। तो 100 शेयर्स पर कॉल है हमारी 3 की, तो 3 का एरियर, तो टोटल अमाउंट आ गया 300, शेयर फर्स्ट कॉल है हमारी 6000, तो 6000 माइनस 300 बैंक में कितना अमाउंट आएगा, 5700, क्लियर। कंपनी इतना अमाउंट रिसीव करेगी, टोटल फर्स्ट कॉल थी 6000 की, लेकिन उसमें से 300 का एरियर हो गया, तो कंपनी के पास अमाउंट कितना आएगा, 5700। अब फर्स्ट कॉल के बाद रमेश के शेयर्स को फॉरफीट कर लिया गया, तो हमें उसके फॉरफीट की एंट्री बनानी है, जहां पर भी कंपनी शेयर्स को फॉरफीट करेगी हमें जस्ट वहीं पर एंट्री पास करनी है। तो फॉरफीट की एंट्री जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, जब प्रीमियम पे नहीं किया होता तो एंट्री क्या बनती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीटेड अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। शेयर इसके 40 हैं, 8 रुपीज़ कंपनी का कॉल्डअप है फर्स्ट कॉल तक, 40 रुपीज़ पर 1 का प्रीमियम है, तो यहाँ पर आ गया आपका 320, यहाँ पर आ गया 40। अब शेयर फॉरफीट अमाउंट, ये अमाउंट कहाँ से आया, ये अमाउंट हमारे स्टेप टू से आता है। कैसे आता है, यहाँ देखिए रमेश के लिए हमने ये अमाउंट रिसीव, ये फर्स्ट लाइन का अमाउंट जाता है हमारा शेयर फॉरफीट अमाउंट में, क्योंकि ये अमाउंट रिसीव्ड है, लेकिन इसमें से जो प्रीमियम शेयर होल्डर पे कर चुका है उसका प्रीमियम माइनस करके शो किया जाता है। तो 40 शेयर्स हैं उसके, 1 रुपीज़ का प्रीमियम, तो प्रीमियम कितना हुआ 40, तो 40 इंटू 1 40, तो ये हमारा आ जाएगा 104, राइट। अब ये 104 हमें फॉरफीट एंट्री में शो करना है, और ये 136 एरियर भी मैंने आपको बताया था जब स्टेप टू मैं उसके बारे में बता रही थी, कि ये अमाउंट भी हमारा शेयर अलॉटमेंट अमाउंट अकाउंट में शो किया जाता है। तो ये अमाउंट हमेशा जाता है, फर्स्ट अमाउंट हमेशा जाता है शेयर फॉरफीट अमाउंट अकाउंट में,
और ये अमाउंट हमेशा जाता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में, ठीक है। अगर प्रीमियम एप्लीकेशन पर है तो वो माइनस किया जाएगा, अगर एप्लीकेशन पर प्रीमियम नहीं था तो यहाँ माइनस नहीं होगा, ठीक है। तो ये केवल एप्लीकेशन का प्रीमियम हमने माइनस किया है, अगर प्रीमियम नहीं होता तो हम टोटल 144 अमाउंट को आगे शो करते, राइट। लेकिन अभी हमें कितना दिखाना है, 104। तो शेयर फॉरफिट में अमाउंट आ गया 104, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में अमाउंट आ गया 136। और फर्स्ट कॉल पर इसका एरियर था 40 शेयर्स, 3 की फर्स्ट कॉल है तो एरियर आ गया 120, ठीक है। तो ये हमारे सारे अमाउंट आ गए कि हमने कैसे फाइंड आउट किए, राइट। अब हम शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री बना लेते हैं। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब 40 शेयर फॉरफिट हो चुके हैं तो कंपनी के पास शेयर कितने बचे हैं, 1960। 40 शेयर ऑलरेडी फॉरफिट हो चुके हैं तो इसलिए 1960 से एंट्री बनेगी। तो 1960 शेयर फाइनल कॉल है 2 रुपीज़ की, तो मल्टीप्लाई करके हमारा आ गया 3920। इसकी बैंक वाली एंट्री बना लेते हैं, रिसीव्ड वाली। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। यहाँ पर राजेश का एरियर है तो राजेश के शेयर हैं 60, 2 रुपीज़ का एरियर तो यह आ गया 120। तो 3920 में से एरियर हमने माइनस किया तो बैंक में अमाउंट रिसीव होगा 3800, क्लियर। अब राजेश के फॉरफिट की एंट्री बना लेते हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें एसपीआर डेबिट नहीं होगा क्योंकि राजेश ने प्रीमियम पे किया है, तो इसकी एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। 60 रुपीज़ हैं, इसके कॉल्ड अप अमाउंट है 10, तो ये हो गया 600। फॉरफिट अमाउंट इसे हम बाद में निकालेंगे, पहले हम ये निकाल लेते हैं शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल थी 3 की तो 60 × 3 ये आ गया हमारा 180। सेकेंड एंड फाइनल कॉल है 2 रुपीज़ की तो 60 × 2 120। टोटल कॉल्ड अप था 10, 10 में से इसने 5 रुपीज़ नहीं दिए तो कितने पे किया होगा, 5, तो 60 × 5 300। ये प्रोसेस मैं पहले भी बता चुकी हूँ जहाँ हमने फॉरफिट की एंट्री बनाना स्टार्ट किया था, राइट। तो उस वीडियो को भी आप एक बार देख सकते हैं तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं बता देती हूँ, कॉल्ड अप में से अगर हम अनपेड निकाल दें तो पेड अप अमाउंट निकल आता है और शेयर फॉरफिट में हमें पेड अप अमाउंट शो करना होता है, क्लियर। तो यहाँ से हमारे ये सारे अमाउंट आ गए। इसके बाद बनती है री इशू की एंट्री। तो री इशू में 80 शेयर्स हैं, 9 रुपीज़ से इशू किए हैं तो 18 × 9, और शेयर था हमारा 10 रुपीज़ का, तो ये किस पर इशू हुआ है, डिस्काउंट पर। तो यहाँ डिस्काउंट वाली एंट्री बनेगी। डिस्काउंट वाली एंट्री हमारी होती है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 18 × 9 720, डिस्काउंट फॉरफिट में डिस्काउंट अमाउंट दिखाया जाता है तो डिस्काउंट 1 रुपये का है तो 18 × 1 80, और टोटल अमाउंट है शेयर का 18 × 10 800, ठीक है। अब इसकी फॉरफिट अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला था। जब कंपनी सारे फॉरफिट शेयर को रीइशू नहीं करती या पार्शियल रीइशू करती है तो कैसे सॉल्व किया जाता है, ये अमाउंट कैसे निकाला जाता है, तो उस फॉर्मूले में हमें ये वैल्यू पुट करनी है और ये अमाउंट हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर है हमारा मेथड कैसे हमें निकालना होता है। तो अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व इन केस ऑफ पार्शियल रीइशू, जब कंपनी सारे शेयर्स को रीइशू नहीं करती। यहाँ पर कंपनी ने रमेश के सारे शेयर्स लिए हैं और राजेश के 40 शेयर्स लिए हैं, इनफैक्ट उसके पास शेयर्स थे 60, उसमें से 40 रीइशू करे हैं, ठीक है। तो इसका क्या है, पार्शियल रीइशू, तो इसे निकाल लेते हैं हम। तो हमारा फॉर्मूला था अमाउंट फॉरफिटेड, ये अमाउंट होता है जो फॉरफिट एंट्री में फॉरफिट अकाउंट में शो किया जाता है। तो अमाउंट फॉरफिटेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। तो पहले हम रमेश का सॉल्व कर लेते हैं। रमेश का फॉरफिट अमाउंट है 104, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट है 40, नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू 40, रमेश के सारे शेयर रीइश्यू करें तो जितने फॉरफिट थे वो सारे रीइश्यू कर दिए,
माइनस डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट अमाउंट कैसे आता है? देखिए डिस्काउंट है री इश्यू पर एक रुपए का। अभी हमने एंट्री बनाई, वन रुपए का डिस्काउंट है, तो हमने दोनों के डिस्काउंट अलग अलग निकाल लिया। डिस्काउंट ऑन री इश्यू वन रुपए का डिस्काउंट है। रमेश के शेयर कितने री इश्यू करे? 40। राजेश के कितने शेयर री इश्यू किए हैं? 40। तो 40 × 1 40 रुपीज का डिस्काउंट आ गया रमेश का, और 40 × 1 40 रुपीज का डिस्काउंट आया राजेश का। ठीक है, तो ये अमाउंट कैसे निकलता है? री इश्यू शेयर्स इंटू डिस्काउंट ऑन री इश्यू, राइट। तो इसके 40 शेयर्स थे इंटू 1 का डिस्काउंट है, 40 आ गया। राजेश के 60 शेयर्स थे लेकिन री इश्यू किए 40, डिस्काउंट है 1 का, तो यहाँ पर फॉरफिट सॉरी डिस्काउंट आ गया री इश्यू का 40। ठीक है, तो यहाँ 40 मैंने आपको पहले भी बताया था, हम इतने पोर्शन को पहले सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये आ गया हमारा 104, 40 से 40 कैंसिल हो गया, माइनस 40, तो ये हमारा सॉल्व करके बचेगा 64। इधर से हम राजेश का सॉल्व कर लेते हैं। राजेश की फॉरफिट अमाउंट है 300, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, अपॉन नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट। तो यहाँ पर उसके शेयर थे 60 इंटू री इशू, नंबर ऑफ शेयर री इशू, इसके शेयर री इशू करे हैं 40, माइनस डिस्काउंट इसका भी है 40। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से 30 को कैंसिल किया, 5, 5 इंटू 40 ये आ गया 200, माइनस 40, तो 200 माइनस 40 ये आ गया हमारा 160। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा 224। ठीक है, तो ये अमाउंट हमारा निकला है कैपिटल रिजर्व का। अब इस अमाउंट को हम एंट्री में शो कर देते हैं। तो ये थी हमारी लास्ट एंट्री, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट या फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 224। तो ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन प्रो राटा बेसिस का, कि जब कंपनी शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है प्रो राटा बेसिस पर, तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उन्हें पूछिए, मैं कोशिश करूँगी टाइमली उनका रिप्लाई करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट।